हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ सिंधी फूड सीरीज विद मनीषा गोलानी। आज हम बनाएंगे सिंधी स्पेशल सन्ना पकोड़ा, और उसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में 3/4 कप जितना फाइनली चॉप्ड प्याज डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जीरा, कटी हुई 2 हरी मिर्च, सूखा धनिया क्रश करके इसे भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे 3/4 कप जितना बेसन लेंगे। यहाँ पे प्याज और बेसन आपको सेम क्वांटिटी का लेना है, खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए, हमने नमक पहले डाला है तो वो भी थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो जो हमारा पकौड़े का बैटर है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ अजवाइन डाल देंगे, और अगर आपके पास अनारदाना है तो वो डालना, क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपी में अनारदाना डलता है। यहाँ मेरे पास अनारदाना नहीं था, सो ये कंसिस्टेंसी है हमारे पकोड़े के बैटर की। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और लास्ट में हम मीठी सोडा और 1 चम्मच तेल गर्मा गर्म डाल देंगे। गर्मा गर्म तेल डालने से पकोड़े क्रिस्पी होंगे और मीठी सोडा तेल ज़्यादा नहीं चूसेगी। सो ये हमारे पकोड़े का टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे हाथों की मदद से एक एक करके कढ़ाई में बड़े पकोड़े डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके बाद में 2-3 पीसेस करके फिर से तलने हैं। मैंने यहाँ हाथ से डाले हैं, अगर आप स्पून से कंफर्टेबल हो तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे आपको दोनों साइड से पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसे हमें दूसरी बार भी रीफ्राई करना है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। और इसके भी हम 2-3 पीसेस कर लेंगे। अब आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हो या आपको खूब सारा काम हो तो ऐसे 2-3 पीसेस करके रख सकते हो। उसके बाद आप गर्मा गर्म जब खाओ तो ऐसे फिर से रीफ्राई कर सकते हो, इससे आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे जो दूसरा स्टेप ज़रूरी है, उसमें आपको उसी कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल में आपको वो पकोड़े डालने हैं जिससे आपके पकोड़े क्रिस्पी हो गए, और हल्का सा कलर होने देना है। इसको आपको हाई फ्लेम पे ही तलना है, जिससे क्या है आपके पकोड़े क्रिस्पी होने के साथ साथ ज़्यादा तेल भी नहीं लेंगे। ये देखिए हमारे सन्ने पकोड़े बनके तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हो हमारी ग्रीन चटनी टमाटो केचप के साथ, आप इसे ऐसे चाय के साथ भी खा सकते हो, हम वैसे ब्रेड के साथ खाते हैं, और आप चाहो तो चपाती के साथ भी खा सकते हो। सो ये बनके तैयार है हमारे सिंधी सन्ना पकोड़ा। सन्ना मतलब पतला, और इसे सन्ना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है, तो इसलिए इसे सन्ना पकोड़ा कहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करिए ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और नेक्स्ट सिंधी रेसिपीज़ आप कौन सी चाहते हैं वो भी बताना। अब ये देखो, ये पकोड़े कितने डिलिशियस और यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने थे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।